हेलो माय व्यूअर्स, माय नेम इज मोहम्मद इमरान। और एक बार फिर चलिए याद कर लेते हैं कुछ और नए शब्द। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, लेते हैं सबसे पहला शब्द फाउल, और इसका मतलब होता है मुर्गा या फिर मुर्गी। फ्रेंड्स, बचपन में जब हम गेम खेलते थे और उस गेम में अगर कभी भी फाउल होता, यानी कि अगर लड़के से कभी भी फाउल होता तो वो मुर्गा बनता था, और लड़कियां फाउल करती थी तो वो मुर्गी बनती थी। फाउल मींस मुर्गा या फिर मुर्गी। फ्रेंड्स, लेते हैं एक और नया शब्द फ्रिजिड, और इसका मतलब होता है बहुत ठंडा। फ्रेंड्स, एक बच्चे ने फ्रिज में बैठने की जिद की, और जब वो बाहर निकला तो बहुत ठंडा हो चुका था। फ्रिजिड मींस बहुत ठंडा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने फ्रूटी, और इसका मतलब होता है स्वाद एवं गंध में फल जैसा। फ्रेंड्स, फ्रूटी तो आप सभी ने पी होगी, तो किस फल जैसी लगती है? मैंगो, आम जैसी। फ्रूटी मींस स्वाद एवं गंध में फल जैसा। फ्रेंड्स, लेते हैं एक और नया शब्द फ्यूजलाज, और इसका मतलब होता है हवाई जहाज का धड़, यानी बॉडी। फ्रेंड्स, फ्यूज और लाश को पहले ब्रेक कर लेते हैं, फ्यूज और लाश। फ्रेंड्स, अगर हवाई जहाज का मेन फ्यूज हटा दिया जाए तो उसकी बॉडी एक लाश की तरह, यानी उसका धड़ जो है वो लाश की तरह बन जाएगा। फ्यूजलाश मींस हवाई जहाज का धड़। फ्रेंड्स, लेते हैं एक और नया शब्द फस, और इसका मतलब होता है बेकार की घबराहट। फ्रेंड्स, कुछ लोग जब लिफ्ट या एलिवेटर में फस जाते हैं तो उनको बेकार की घबराहट हो जाती है। फर्स्ट मींस बेकार की घबराहट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने फ्यूटाइल, और इसका मतलब होता है व्यर्थ। फ्रेंड्स, पहले फ्यूटाइल को ब्रेक कर लेते हैं। फ्यू मींस कुछ, टाइल टाइल्स जो घर में हम लगाते हैं। तो जब हम कभी भी अपने घर में टाइल्स लगवाते हैं तो उसमें से फ्यू यानी कुछ टाइल्स तो व्यर्थ ही चले जाते हैं। फ्यूटाइल मींस व्यर्थ। फ्रेंड्स, लेते हैं एक और नया शब्द गेल, और इसका मतलब होता है तूफान। फ्रेंड्स, पहले गेल को ब्रेक कर लेते हैं। क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर हैं क्रिस गेल। फ्रेंड्स, जब वो खेलते हैं ना, तूफान की तरह खेलते हैं, या फिर कह सकते हो आप कि तूफान का दूसरा नाम गेल है, यानी क्रिस गेल है। गेल मींस तूफान। लेते हैं एक और नया शब्द गैलेंट, और इसका मतलब होता है बहादुर। फ्रेंड्स, पहले गैलेंट को ब्रेक कर लेते हैं। गेल जब अंटे खेलता था, वही क्रिस गेल, जब अंटे खेलता था तो बिल्कुल बहादुर की तरह खेलता था और सारे अंटे जीत के जाता था। गैलेंट मींस बहादुर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने गैलिवेंट, और इसका मतलब होता है मौज मजे की तलाश में इधर उधर घूमना। फ्रेंड्स, पहले गैलिवेंट को ब्रेक कर लेते हैं। गली और पैंट, बचपन में हम सब लोग गलियों में पैंट पहनकर इधर उधर घूमते रहते थे कि चलो मौज मस्ती करते हैं। गैलिवेंट मींस मौज मजे की तलाश में इधर उधर घूमना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने गैम्बल, और इसका मतलब होता है जुआ खेलना। फ्रेंड्स, जुआ खेलना एक ऐसा गेम है जो पूरी जिंदगी में बद लगा देता है, यानी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। गैम्बल मींस जुआ खेलना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने गैंगवे, और इसका मतलब होता है थिएटर या फिर वायुयान में सीटों के बीच का रास्ता, यानी दोनों तरफ सीट्स होती हैं और बीच में रास्ता होता है। तो फ्रेंड्स, गैंगवे, जब हमारी गैंग थिएटर में जाती थी तो वे अपने आप बन जाता था, यानी कि आधे लोग इधर हो जाते थे और आधे लोग इधर हो जाते थे। गैंगवे मींस थिएटर या फिर वायुयान में सीटों के बीच का रास्ता। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने गैरियुलस, और इसको गैरालस भी पढ़ सकते हो। तो गैरियुलस का मतलब होता है बातूनी। फ्रेंड्स, गैरियुलस को ब्रेक कर लेते हैं। गैर को कभी लस्सी मत पिलाना, गैर मतलब स्ट्रेंजर को कभी लस्सी मत पिलाना, नहीं तो वो बहुत बातूनी बन जाएगा, यानी कि आपसे बहुत बातें करेगा। गैरियुलस मींस बातूनी। फ्रेंड्स, लास्ट वर्ड है हमारे सामने गॉडी, और इसका मतलब होता है सस्ती चमक वाला। फ्रेंड्स, गाड़ी से निकाल लो गाड़ी, आपने एक गाड़ी खरीदी सस्ती चमक वाली, तो
तो आपके दोस्त बोल रहे थे कि दिस इज अ गॉडी कार. गॉडी मींस सस्ती चमक वाला. फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कौन सा शब्द याद करने में सबसे ज्यादा मजा आया. फ्रेंड्स, वीडियो को कई बार देखते रहिए ताकि अच्छी तरह से आपको याद हो जाए. एंड कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट.